जितना लोग बाबर आजम को ट्रोल कर रहे थे और ताना मार रहे थे, उन सभी को जवाब मिल गया है। यहाँ दोस्तों बता दें कि बाबर आजम जो कि पाकिस्तान टीम के कप्तान है, और पाकिस्तान टीम का परफॉर्मेंस वर्ल्ड कप 2023 में कुछ खास नहीं रहा है। बता दें कि 9 मुकाबला खेली, जिनमें से 5 मुकाबला हार गई और मात्र ही 4 मुकाबला जीत पाई, और इस वजह से वह सेमीफाइनल में नहीं जा पाई। इसके बाद से कप्तान बाबर आजम पर बेहद ही ज़्यादा सवाल उठाया जाने लगा कि इनका कैप्टनसी बेहतर नहीं है, इन्हें कैप्टनसी से हटा देना चाहिए, या फिर इनके बल्लेबाजी अच्छी और बड़ी टीमों के खिलाफ हमेशा बाबर आजम फेल हो जाते हैं। ऐसे ऐसे कई सवाल उठाए गए थे बाबर आजम के खिलाफ, लेकिन बता दें कि बाबर आजम ने वर्ल्ड कप 2023 में अपने बल्लेबाजी से सभी को मोहित कर लिया है। बता दें कि भले ही बाबर आजम ने शतक नहीं लगाया है, लेकिन बता दें कि अर्धशतक लगातार लगाया है। इसके अलावा इनका जो स्कोर है पाकिस्तान की तरफ से वर्ल्ड कप में इतना भी खराब नहीं है। बता दें कि 320 रन बनाए हैं बाबर आजम, जो कि ठीक ठाक स्कोर होता है। बाबर आजम उम्मीद के मुताबिक उतना परफॉर्मेंस नहीं कर पाए, इनसे ज़्यादा उम्मीद था, लेकिन फिर भी इतना भी खराब परफॉर्मेंस नहीं था। लेकिन दिक्कत यह था कि बाबर आजम की टीम यानी कि पाकिस्तानी टीम उन्हें सपोर्ट नहीं कर पा रही थी, चाहे वह बल्लेबाजी में हो चाहे वह गेंदबाजी में हो। बात करें गेंदबाजी में तो हारिस रऊफ ने तो एक रिकॉर्ड ही बना दिया, सबसे ज़्यादा रन लुटाने का रिकॉर्ड। वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे ज़्यादा महंगा तेज गेंदबाज अब बन चुके हैं हारिस रऊफ। ऐसे में बाबर आजम करे तो करे क्या, क्योंकि इनके ना ही स्पिनर चल रहे थे ना ही तेज गेंदबाज चल रहे थे। एक सिर्फ साइन अफरीदी, बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान, तीन ऐसे खिलाड़ी थे जो कि ठीक ठाक परफॉर्मेंस कर रहे थे। इसके अलावा सभी कोई कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहा था। इसके अलावा बता दें कि फखर जमान आखिरी में आकर कुछ मैचेस जीता है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की टीम ठीक दिख रही थी, लेकिन फिर आखिरी मुकाबला अगर सेमीफाइनल से बाहर हो गए। अब ऐसे में सवाल उठ रहा है कि शायद बाबर आजम की कैप्टेंसी भी जा सकती है। तो आपको क्या लगता है, क्या बाबर आजम को कैप्टन रखना चाहिए या फिर हटा देना चाहिए? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में।